भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काऊ काऊ करने लगता है। काऊ काऊ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां हैं। बंधु आत्मात्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर करना, यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सिर्फ उसी कार्य पर ध्यान दीजिए। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा अर्थ होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का।